आज आम चुनाव है, आप लोकसभा के प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 बाय इलेक्शन भी हैं, जिस पर आपकी जो प्रदेश सरकार है उसका भविष्य निर्भर है। तो दोनों लोकसभा और जो बाय इलेक्शन है उनके संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि जब आपने अपने प्रदेश की सरकार चुनी तो आपने बदलाव के लिए, एक नई तरह की राजनीति के लिए अपना मत डाला, अपना समर्थन दिया। अब मोदी जी यहां आकर देवभूमि की बात करते हैं, देवताओं के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, लेकिन मोदी जी ने आपकी चुनी हुई सरकार का क्या किया? उन्होंने पूरी ताकत डाली, धन बल की ताकत, कि यह सरकार गिर जाए। सरकार आपने चुनी थी, सरकार लोकतंत्र के जरिए आपने चुनी थी, और मोदी जी ने पैसे दे देकर, भ्रष्टाचार सबके सामने करके हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने की कोशिश की। क्या ये ईमानदारी की बात है? क्या आप इसको सच्ची राजनीति कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री इस तरह की साजिश आपके प्रदेश की सरकार के खिलाफ करें, वो प्रधानमंत्री आपको सर्वोपरि समझते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि उस प्रधानमंत्री जी के दिल में आपके लिए श्रद्धा है, अगर आपकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह की भ्रष्ट साजिश कर सकते हैं? तो ये समझना बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों, कि भाजपा के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर जो यहां के प्रत्याशी हैं उन तक जितने भी नेता हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद है कि किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखें, चाहे सरकारों को गिराना पड़े, चाहे भ्रष्टाचार करना पड़े, चाहे विधायकों को घूस खिलाना पड़े, चाहे आपको गुमराह करना पड़े, चाहे भगवान का नाम लेकर आपका ध्यान भटकाना पड़े, कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के नाम से। सिर्फ सत्ता ही चाहते हैं और किसी भी तरह से उस सत्ता को रखने का काम करेंगे। तो ये एक तरह की राजनीति है बहनों और भाइयों, और इसका नतीजा आपने देखा है।